अभी हम लोग आए थे खेत की तरफ, तो मैंने यहाँ पे देखा कि ये जो इसमें वर्मी कम्पोस्ट लगा रखा है, हमने जो इस आम के लेयरिंग की थी, आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार जरूर देखे, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अंदर अभी पानी की जरूरत है, ये सूख भी चुका है, तो हमने इसको अच्छी तरह सैनिटाइज कर लिया और ये पानी अभी इसके अंदर इंजेक्ट कर लिया। पानी डाल दिया इसके अंदर, थोड़ा सा और डालेंगे अभी। आप देख रहे हैं इसके अंदर ही बहुत सारा पानी चला गया है, और आपको पानी इंजेक्ट करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो है सीरीज सीरीज जो भी, इसको अच्छी तरह से सैनिटाइज करना है, और अगर हो सके, वैसे गर्मियों में अभी गर्मी है और काफ़ी गर्मी पड़ रही है इसलिए ये सूख चुका है, वरना बारिश के मौसम में इसमें पानी नहीं सूखता, और अभी पानी सूख चुका है इसीलिए इसमें पानी देने की जरूरत पड़ रही है, और बाकी जो लेनिंग गई थी उनमें भी अभी पानी देना है। तो जैसा ही आप देख रहे हैं ये जो पौधा पूरी है काफ़ी अच्छे से चल रही है, छोटा सा ही पौधा है, ग्राफ्टेड है, और ये देखिए बहुत सारी गेज आ रही है, थोड़े दिनों में ये पकने वाली है, ज़्यादा नहीं है लेकिन अच्छी है जो अच्छी है, फर्स्ट टाइम आई है। ये अपना भाई पानी दे रहा है, ने, ने, ने। अब जो देख रहे हैं आपने शॉर्ट वीडियो देखा होगा, तो इसमें जो वो क्या था ये वही है, इसके अंदर पानी देना है, काफी अच्छा चल रहा है ये भी। इसमें हमने थोड़ा सा ही वर्मी कंपोस्ट यूज किया था, लेकिन अभी जो हम ये इसमें सागवान वाले में डालने वाले हैं, इसका वीडियो रिकॉर्डेड है ऑलरेडी, अभी इसको अपलोड नहीं किया है क्योंकि अभी हम ट्राई कर रहे हैं ये होगा या नहीं होगा, लेकिन इसमें पानी देना पड़ेगा ना, अभी तो चल तो रहा है, वैसे ये ट्रेनिंग अच्छे से चल रही है, अभी ग्रोथ भी कर रही है, हमें लगा उसके बाद काफ़ी ग्रोथ हो रही है। इसका वीडियो आने वाला है यूट्यूब पे, ट्राई किया था ये चलने वाला है या नहीं, और बाकी दिन आपको उसमें पता चल जाएगा।